Yes, everybody. Example number 3, important one. In figure 6.16, PS over SQ is PS in figure 6.16, PS over SQ is equal to PT over TR. तो ये पहले गिवन है, तो मैं इससे पहले इसकी फिगर क्रिएट ही कर लूं जो गिवन है. ये हमारे पास बेटा एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और यहां पे एस और टी पॉइंट्स हैं जिन्हें ज्वाइन किया गया. तो गिवन में स्टेटमेंट क्या दे रहा है, इट सेज पी एस ओवर एस क्यू इज इक्वल टू पी टी ओवर टी आर. एंड अगली चीज गिवन है एंगल पी एस टी, पी एस टी ये बन गया एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू ये एंगल बन गया. बोल लो जी. तो मैं हमेशा आप सबको भी एडवाइस करता हूं एंगल्स को नामकरण कर दो वन और टू की फॉर्म में. तो ये अगर एंगल वन है तो ये एंगल टू है और ये गिवन है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. सही है. प्रूव दैट पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो टू प्रूव क्या करना है, दैट पी क्यू आर जो ट्राइंगल है इज आइसोसेलेस. समझिएगा इसको. आइसोसेलेस आते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, या तो मैं कोई भी दोनों साइड्स इक्वल कर दूं या तो कोई भी दोनों एंगल्स इक्वल कर दूं तो मैं बात कर सकता हूं उसकी. जो क्वेश्चन के अंदर एंगल्स की बातें हो रही हैं तो मैं उस पर थॉट रख सकता हूं. पर उसने साथ ही साथ एक रेशियो दे दी कि पी एस ओवर एस क्यू इज इक्वल टू पी टी ओवर टी आर. तो ये तो बीपीटी में यूज करते थे रिजल्ट. तो जब रिजल्ट दिया हो तो हम ये बता सकते हैं कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर और इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी. क्या बोलते हैं, कहानी पकड़ में आ गई. मतलब पैरेलल लाइन है तो रेशियो बताओ, ये बीपीटी है, रेशियो नहीं है पैरेलल लाइन बोलो तो ये कन्वर्स है. क्या ये बात समझ आई सबको, ठीक है. अब अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, पहले समझ लो, ये प्रूफ कर दिया कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर है, तो मेरे को जल्दी से अमरीन आप बताओ वन और थ्री एंगल में क्या रिलेशन है. वेरी गुड. तो ये बन गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. इसका मतलब वन और थ्री इक्वल हो गए. गिवन में क्या है, वन और टू इक्वल है, इसका मतलब टू और थ्री भी इक्वल हो गए. और जैसे टू और थ्री इक्वल हुए, इक्वल साइड हैव और उल्टा इक्वल एंगल्स हैव, तो हमने कह दिया पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. तो जब ये हुआ तो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. कहानी पकड़ में आई. हमेशा ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को पहले मन में सॉल्व किया करो. आते हैं इस क्वेश्चन के राइट अप पे, आते हैं इसके प्रूफ पे. हाँ जी, क्लियर कट. पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर गिवन. सही. दिस इंप्लाइज एस टी इज पैरेलल टू, रीजन बोलो, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी. यस और नो. तो जैसे ये पैरेलल हुए सो देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री. रीजन बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. बट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये क्या है मेरे को गिवन. सो देयरफॉर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री. एंगल टू और एंगल थ्री इक्वल है, दिस इंप्लाइज एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर. इसमें इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर क्यू थ्री के ऑपोजिट, आर के ऑपोजिट पी क्यू और क्यू के ऑपोजिट पी आर, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू पी क्यू. रीजन बोलो, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स. अगर ये है सो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस. हो गया जी प्रूफ, करिए नोट.